बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, हो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं ये शुरू। तो सबसे पहले तो एक खुशी की बात है कि रात मुझे मैसेज आया था घर से, तकरीबन 11 बजे आया था, कि हमारी जो बहन है उसने कट्टी दी है, यानी कि लड़की दी है। तो खुशी की बात है, काफ़ी दिनों के बाद, क्यों जब ये जानवर रखे होते हैं, जब ये ब्याहते हैं, कुछ चीज़ वगैरह देते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है जो रखने वाला है कि उसकी जो मेहनत है वो उसका फल मिलता है, को उसको संभालता है, उसका चारा वगैरह लेके आता है। तो आज मैं तकरीबन 12 बजे हुए, 12:15 हुए हैं, अभी आया हूँ क्लास से। आज क्लास में बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ, क्यों तकरीबन सुबह से मेरे गुर्दे में काफ़ी तकलीफ़ है, क्यों कभी हो जाता है ऐसे, लेकिन ये आज की जो तकलीफ़ है ये ज़्यादा है, क्यों लगता है कोई स्टोन वगैरह है जिसकी वजह से इतनी तकलीफ़ होती है। दवाई मैंने अभी फ़ोन करके बताया मामू को, वो आते हुए 1 बजे लेके आएंगे। मैंने उनको चीज़ें बता दी थी जो दवाई में मिक्स करके लेके आनी है। तो आप सोच रहे कि हकीम खुद है और तकलीफ़ अपने होती है, ये खुदा की तरफ से एक मर्द होती है तो एक बदपरहेजी भी होती है, कि मुझे ज़िंदगी में, मुझसे ज़िंदगी में कभी भी परहेज़ नहीं होता है, जितना भी ही चाहूँ तो परहेज़ नहीं होता है, जो भी मिलता है खाता ज़रूर हूँ, चाहे थोड़ा सा भी खाऊँ खाता लाजमी हूँ। तो आज भी चावल पक रहे हैं, इस मर्ज़ में ये चावल नुकसान देते हैं, लेकिन वो मेरी फेवरेट है, क्यों पिछले दिनों भी मैंने आप दोस्तों को बताया होगा, जब मैं लॉकडाउन में घर रहता था तो मुसलसल चावल सुबह शाम अक्सर पकते थे, तो उसकी वजह से भी कुछ ये प्रॉब्लम बनी है। तो ये तो मैं ठीक कर लूँगा, क्यों दर्द है वो अगर कुछ हुए ज़रा तो वो निकल जाएंगे, ये बीमारी का आधा इलाज है। तो लेकिन मेरे दिन से कि परहेज़ ऐसे ही करने से क्या होगा, कि जो हाँ जो गलत चीज़ है वो नहीं खानी चाहिए, जो खाने वाली चीज़ें हैं इनका परहेज़ मैं बहुत मुश्किल से करता हूँ। अभी तक खाना नहीं पका है, चावल पक रहे हैं जो मुझे मना है, लेकिन खाने हैं क्यों फेवरेट है। और दवाई मैंने अभी मंगवाई है तो मम्मू देखे गए हैं, सबसे पहले मैं ये दवाई खाऊंगा, फिर उसके बाद ही खाना खाएंगे, क्यों ये सिर्फ जो अंदर दर्द वगैरह है उसको रोकने के लिए है, तो क्यों दर्द अभी भी हो रहा है। ये तकरीबन 4 से 5 खुराकें हैं, तो एक खुराक अभी खाएंगे। अब ये दोपहर का खाना है, दवाई मैंने अभी खा ली है, अब ये चावल खाएंगे। मैं अभी वापस आया हूँ, तो आज मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, कि आज मरीज़ ज़्यादा थे और मामू भी नहीं थे जो मेरे साथ हेल्प करते हैं, जो साथ बैठते हैं, इसी वजह से अकेला फंसा हुआ था और रश भी ज़्यादा था, काफ़ी टाइम लगा है। और अभी फारग होकर निकला हूँ उधर से, तो अभी मुँह भी धोना है, तो मुझे भी काफ़ी अजीब सा लग रहा है, तो काफ़ी सारी बातें करनी थी आज जो मेरी रह चुकी हैं। तो अभी इरादा मैंने यही किया कि अभी क्लास में चलते हैं, जब रात को आऊँगा तकरीबन 10 बजे 10:15 के करीब मुझे छुट्टी होती है क्लास से, तो उस वक़्त कुछ बातें करेंगे आप दोस्तों के साथ। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम बहुत शॉर्ट है, क्यों जब काम साथ कर रहे हो ना इंसान, तो फिर ऐसे ही होता है, या फिर एक तरफ टाइम दिया जा सकता है और दूसरी तरफ नहीं, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की कि दोनों तरफ मेरा टाइम हो। तो फिर भी जब मजबूरी वगैरह हो तो फिर रह जाती है। तो अभी बस तैयारी करते हैं क्लास में जाने की, क्यों रात की क्लास का टाइम है। कल मैं मगरिब के बाद नहीं गया था, इशा के बाद गया था तकरीबन 9 बजे, क्यों कल मगरिब के बाद मैं अपने दोस्त के पास गया था, कुछ प्रोग्राम था वहाँ, तो उस वक़्त मुझे मैसेज आया था मामू जान का कि आज रुख्सत है आपको जो गैर हाजिरी की है,
तो आज अगर मैंने रुखसत की अगर आज मैंने छुट्टी की तो उसका जुर्माना पड़ेगा, क्योंकि जुर्माने वाला किस्सा बहुत हैवी है हमारे मदरसे का, तो बहुत ज़्यादा जुर्माना होता है। घर से कॉल आई है तो रात मुझे टाइम नहीं मिला, क्यों तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी, क्यों चावल बहुत ज़्यादा खाए हैं, तो मैं बस मगरी ईशा के वक़्त आ गया था और रात ही दवाई खा के सो गया था, तो इस वजह से कुछ मूड नहीं बना। अब तो काफ़ी बेहतर है, तो अभी थोड़ी सी दवाई और खाएंगे क्लास में जाने से पहले। तो छोटा सा पंखा लगाया हुआ है, तो बस ये मैंने खुद बनाया था कि अपने लिए सिर्फ एक आदमी के लिए काफ़ी होता है ये, कि स्टैंड नीचे हो रहा है और पंखा कुछ हो रहा है। और आज जुमेरात भी है, हमारे अभी तक जो जुर्माने वाले नाश्ते हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो आज भी फ़िलहाल वही नाश्ता चलेगा, पता नहीं कब तक चलेंगे। मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन और चलेंगे, क्यों कल जुमे छुट्टी है, कल तो क्लास में नहीं जाएंगे, तो आज तो है नाश्ता, तो इसलिए नाश्ता मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ ही करता हूँ और मज़ा बहुत आता है। रात एक मैं वीडियो देख रहा था, क्यों टेक की वीडियो मैं काफ़ी देखता हूँ, तो दिखा रहे थे कि ये जो यूट्यूब का 1,000 सब्सक्राइब और 4,000 वॉच टाइम पूरा करना है, 30 दिन में पूरा करना है। तो जब मैंने उसका टाइटल और थंबनेल देखा तो काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन जब मैंने उसको वीडियो को पूरा देखा तो मेरी टेंशन ख़त्म हो चुकी थी। उसका कहना यह था कि उन्होंने जो गूगल एडसेंस का जो उन्होंने भेजा हुआ है ना अपना क्राइटेरिया पूरा होने से पहले, 10,000 सब्सक्राइब और 4,000 वॉच टाइम पूरा होने से पहले जिन्होंने गूगल एडसेंस अप्लाई किया हुआ है, तो उनको है ये 30 दिन का, वो कि वो अपने 30 दिन में अपना क्राइटेरिया पूरा कर लें, तो नहीं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। उनको भी कोई परेशानी नहीं है, बस यही है कि उनका गूगल एडसेंस को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन जब ये क्राइटेरिया पूरा होगा तो वो दोबारा कर सकते हैं। और जो आम न्यू क्रिएटर है वो जब उसका 1,000 सब्सक्राइब और 4,000 वॉच टाइम पूरा होगा तो वो उसी वक्त अप्लाई करे तो उसका गूगल एडसेंस बन जाएगा। जो शुरू शुरू में मैंने भी जब उसको देखा था तो काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन जब पूरी उससे नॉलेज हासिल कर ले तो फिर परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो बस अभी मैंने क्लास में जाना है और वीडियो को मैं आज इधर ही ख़त्म करूँगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।